नमस्कार दोस्तों, माय बेस्ट पीपल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियोस मैं बेसिकली इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएचपी के अंदर फेचिंग कितना टाइप से होती है। बेसिकली मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि अब मैंने वाइज डालना बंद कर दिया है। अब सिंपल मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ और उसी से आपको समझना रहता है। तो फेचिंग बताने से पहले ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि फेचिंग कितने टाइप से होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। फेचिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी तक MySQL के अंदर इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तो आपने कुछ भी रिकॉर्ड, कोई सा फॉर्म है, आपने उस फॉर्म को फिल किया तो आपका रिकॉर्ड क्या हुआ, डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हुआ। आप उस रिकॉर्ड को अपडेट किया आपने, आप आईडी के थ्रू, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर किसी के थ्रू आपका पर्सनल डाटा क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और उसी ईमेल आईडी के थ्रू मैंने रिकॉर्ड को डिलीट करना बताया। तो मैंने आपको अब तक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों करना प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यही बता चुका हूँ कि डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है। तो सारे वीडियोस के बाद अब आगे बात आती है फेचिंग की। तो फेचिंग पीएचपी के अंदर चार टाइप से होती है। फेचिंग है ना सिंपल रिट्राइव, आप आपके डाटा को जो डाटाबेस के अंदर स्टोर है उसको आप यूज़र्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हो। तो MySQL के अंदर चार टाइप से फेचिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है MySQL _ फेच _ अरे। सेकेंड होती है MySQL _ फेच _ रो। थर्ड होती है MySQL _ फेच _ एसोसिएशन। और लास्ट होती है MySQL _ फेच _ ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको बोल के बताया है, जब मैं इसका प्रैक्टिकली कल डालना, एक दो दिन के अंदर मैं इसका डालूंगा आपको वीडियोस, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि किस टाइप से लिखते हैं _ लगा के। तो चार टाइप से फेचिंग होती है। तो पहले हम देखेंगे MySQL _ फेच _ अरे। अरे के थ्रू जो फेचिंग करते हैं उसके अंदर आईडी है ना, इन द सेंस 0 1 2 इंडेक्सिंग, सॉरी इंडेक्सिंग, जैसे 0 1 2 3 इंडेक्सिंग होती है, तो ये इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है और फील्ड नेम को भी सपोर्ट करता है। फील्ड नेम डाटाबेस के अंदर आपने दो फील्ड बनाई है, आईडी और नेम। तो आप चाहे तो रिकॉर्ड आईडी और नेम के थ्रू भी फेच कर सकते हैं, आप चाहे तो उसकी इंडेक्सिंग, जैसे आईडी 0 पे है और नेम 1 पे है, तो आप उसके थ्रू भी फेचिंग कर सकते हैं। तो जो अरे होता है वो दोनों को सपोर्ट करता है, इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है, फील्ड नेम को भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो रो होता है वो सिर्फ इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, वो फील्ड नेम को सपोर्ट नहीं करता है। आज के वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। आगे जब मैं प्रैक्टिकली डालूंगा, जब वीडियोस डालूंगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले इतना समझते जाइए कि इंडेक्सिंग है ना 0 और 1, फील्ड नेम है ना डाटाबेस की फील्ड, जैसे आईडी और नेम वो फील्ड है, और इंडेक्सिंग है ना उसके पर्टिकुलर लोकेशन, जो अरे की जो इंडेक्सिंग है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो आईडी है ना 0 लोकेशन पे और नेम है ना 1 लोकेशन पे। तो इंडेक्सिंग है ना 0 और 1, फील्ड नेम है ना आईडी और नेम, तो अरे दोनों को सपोर्ट करता है। रो सिर्फ इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, 0 और 1 को। फिर आगे पढ़ेंगे एसोसिएशन। तो MySQL _ फेच _ एसोसिएशन जो होता है वो सिर्फ फील्ड नेम को सपोर्ट करता है ना, आईडी और नेम। यदि आपने आईडी नेम स्मॉल लेटर में दिया है तो स्मॉल लेटर को सपोर्ट करेगा, यदि आपने कैपिटल लेटर में दिया है या फिर एक कैपिटल में एक स्मॉल में दिया, तो जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसे आपको लिखना होगा। और लास्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस क्रिएट करता है, जहाँ पर मैं आपको एरो ऑपरेटर का यूज़ करके बताऊंगा। ये भी सिर्फ फील्ड नेम को सपोर्ट करता है ना, आईडी और नेम को सपोर्ट करता है, और ये फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि रेफरेंस के थ्रू काम होता है। देखा होगा आपने रेफरेंस के थ्रू जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है MySQL _ फेच _ अरे, क्योंकि अरे दोनों को सपोर्ट करता है, आईडी को भी सपोर्ट करता है, फील्ड नेम को भी सपोर्ट करता है। तो आज सिर्फ मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है कि फेचिंग कितने टाइप से होती है। तो फेचिंग होती क्या है, जैसे कोई सा भी रिकॉर्ड डाटाबेस के अंदर आपने इंसर्ट किया, जैसे आईडी और नेम को इंसर्ट किया, और ये रिकॉर्ड मुझे आपको डिस्प्ले करवाना है ना, यूज़र को डिस्प्ले करवाना है बैकएंड से, तो मैं फेचिंग का यूज़ करूँगा। या फिर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना मुझे, तो मैंने डाला 101 आईडी, तो 101 आईडी का रिकॉर्ड आ जाएगा। मैंने डाला 102 आईडी, तो 102 आईडी का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस टाइप से आप चाहें तो आईडी के थ्रू भी रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस टाइप से आप आईडी के थ्रू या फिर पूरा रिकॉर्ड कैसे फेच करते हैं। आज का वीडियो मैं ही ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।